नाना नाना को दी जा रही थी गालियां और गंदे वाली गालियां उनकी वालदा को भी और उन्हें भी और कहा जा रहा था देखा हमने जो है सितारा और नाना पे जो है टैग लगाने थे हमने लगा दिए मैं तो अहम थोड़ी सी हैरान हुई है कि भाई इन्होंने क्या मतलब उन्होंने वो बहुत गंदी वाली उनकी वालदा को और नैना को जो है बहुत ज्यादा गालियाँ दी उन्होंने बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अभी मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं है क्योंकि मरियम खुद भी वीडियोज़ बना रही हैं उसमें मैंने मरियम की भी वीडियो देखी मरियम ने भी कुछ चैट्स और वॉइस इस टाइप की थी चैट थी तो वो लगाई फिर आ, उसी पैनल पर जो है और लेडीज बैठी थी और बार बार कह रही थी कि आपने कोई प्रोजेक्ट देना है नाना को तो वो नहीं देना आपको कसम लगी ये वो इस तरह की ट्रोल कर रही थी देखें जी वो तो छाती निकाल के आ जाती है वीडियो में जब आती थी तो वो उसे वो कार्टून लगाना पड़ता था यहाँ पे आसीन यासीन यासीन की सितारा ने जो है अपने ब्लॉग में कहा कि देखिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने ससुर को अपने पास क्यों नहीं रखती है सितारा के लिए आ, कुछ बोला जा रहा था तो वहां पे जो है समीरा ने कहा कि देखें जी हो सकता है उसे अल्लाह ने माफ कर दिया हो असलकम वहम्दुल्लि वबरकू कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी जान की टोटीज छोटी छोटी एंड मोटीज़ कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और <laughs> क्या हो रहा है क्या हाल चाल है आज बहुत सारी न्यूज़ हैं वीडियोस पूरी देखने के लिए पहले पहले लाइक कर दो और न्यू लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद जो है हम बातचीत शुरू करते हैं बहुत सारी बातें हैं जी जनाब और बातें ये हैं कि ज़ाहिर साहब जो है वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे जो कि नाना को सपोर्ट कर रहे थे और अचानक से ही वैसे मुझे ये कल पता चला था इस बात का वैसे मुझे शक था लेकिन मुझे पता बिल्कुल नहीं था और मुझे कल थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ पता भी चला लेकिन रवील जो है आज ज़ाहिर साहब ने जो है अपनी वीडियो में किया कि नहीं भाई मैं तो कुछ चीज़ें जो हैं लेना चाहता था मतलब लेना चीज़ें क्या पॉइंट्स या भाई अब ये उनका मामला होगा ये वीडियो उनकी आएगी तो देखेंगे मुझे बिल्कुल अभी नहीं अंदाजा कि उनके पास क्या है क्या नहीं है लेकिन मुझे ये लगता है कि मेन चीज़ों में मैं बेसिकली नहीं ऐसी चीज़ों में पढ़ती आ, प्रूफ ये वो इन चीज़ों से मैं तो भाई दूर भागती हूँ मुझे लेना देना नहीं है मैं जस्ट टॉपिक पे बात करती हूँ जो कि अभी करूँगी अच्छा जी वहाँ पे फिर उन्होंने लाइव रखी और वहाँ पे किए धमाके छोटे छोटे से हैं अभी तो छोटे ही कहूँगी क्योंकि जब तक उनकी वीडियो नहीं आती तो, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं तो जो हूँ प्री प्लान अपने तरीके से गया था वहाँ पर और मैं जो है कुछ चीज़ें लेना चाहता था देखना चाहता था आखिर क्या है क्या नहीं है तो उस पैनल को जो है सब ने ज्वाइन किया मैं भी थोड़ी देर के लिए गई और मैंने उन्हें कहा देखे अगर ये आपका मजाक था या आपका प्रैंक था या आपका प्लान था जो भी था तो आप फिर भी मोहताद रहें आप ना सपोर्टर ना हेटर इन में से किसी को भी गाली नहीं देंगे क्योंकि लेडीज़ हैं यार उनसे उनके साथ क्या इस तरह की बदकलामी करनी तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि गाली से परहेज़ करें दोनों ग्रुप के लिए और अपना जो काम कर रहे हैं आप रिएक्शन दे रहे हैं वो दें आप अपने अच्छे अच्छे रिएक्शन दें रिव्यू करें रिएक्शन दें फन फनी बड़ी अच्छी बातें करते हैं भाई फ़नी वीडियोस भी बनाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है अच्छा लगेगा <coughs> हमें इंटरटेन भी करना चाहिए साथ साथ और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कॉमेडी वीडियो की तो मैं हाँ बनाऊँगी यार ना टेंशन लो थोड़ी सी बिजी थी मेरे भी घर में थोड़े से ऐसे काम शाम चीज़ें 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 चूज़ें चल रही हैं मैं थोड़ी सी उधर भी बिज़ी होती हूँ कल मैंने एक वीडियो डाली थी रिएक्शन की और उसके बाद जो है खैर मैंने वो माजमें हट गई और दूसरी लाइव एक चल रही थी हेटर की वहाँ पे जो है ना था नाना को दी जा रही थी गालियां और गंदे वाली गालियां उनकी वालदा को भी और उन्हें भी और कहा जा रहा था देखा हमने जो है सितारा और नाना पे जो है टैग लगाने थे हमने लगा दिए क्या टैग लगाने थे और लगा दिया मैं तो आया थोड़ी सी हैरान हुई कि भाई इन्होंने क्या मतलब उन्होंने वो बहुत गंदी वाली उनकी वालदा को और नैना को जो है बहुत ज़्यादा गालियाँ दी उन्होंने बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया और बहुत शदीद गुस्से में थे वो जो वहाँ का जो आ, हेटर का जो लाइफ थी वहाँ पर जितने भी लोग थे सब गुस्से में थे और गालियाँ दे रहे थे उसके बाद जो है फिर समीरा साहबा आई उन्होंने जो है बार बार यही कहा लोगों ने कहा क्या मामला चल रहा है ये मरीम का और आपका क्या मामला चल रहा है हमें बताएं तो उसने कहा भाई हमारी अज़ीम मुक़दस किताब है मैंने वो भी उठाई है और मैंने आज प्रूफ भी दी है मैंने वीडियो बनाई है तो प्लीज़ वो भी देखें मेरे पे तहमत है मेरे पे इल्ज़ाम है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ये तो देखें जी अल्लाह की ज़ात जानती है हमें तो इन चीज़ों में अभी मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं है क्योंकि मरीम ख़ुद भी वीडियोज़ बना रही हैं उसमें मैंने मरीम की भी वीडियो देखी मरीम ने भी कुछ चैट्स और वॉइस इस टाइप की थी चैट थी तो वो लगाई और दिखाया कि देखें जी ये मेरी ऐसे ऐसे बात होती रहती है लेकिन उस चीज़ को समीरा ने झुटलाया और कहा कि देखें वो मेरी ओल्ड चैट है और उसमें हम दोनों की माफी तलाफी हो गई थी जो कि उसने फिर वॉइस लगाई और कहा देखें हम दोनों की माफी तलाफी हो रही है और उसमें मैं पीछे हट गई थी लेकिन मेरा इरादा था क्योंकि मुझे ये पोक करती थी अब ये अल्लाह बेहतर जाने किस किस्म का पोक करती थी क्या मामला है लेकिन वो वहाँ पर उसने वर्दा को भी थोड़ा सा क्लियर किया और कहा कि देखें वर्दा के बारे में मरियम ने वीडियो बनाई है कि मैंने उसका गुस्सा निकाला है तो मैंने उसका गुस्सा नहीं निकाला वो तो हमारी पैनल पे ही बात खत्म हो गई थी <coughs> फिर, आ, उसी पैनल पे जो है, और ट्रोल कर रही थी देखें जी वो तो छाती निकाल के आ जाती है वो अपने भाइयों के वीडियो में जब आती थी तो वो उसे वो कार्टून लगाना पड़ता था यहाँ पे फिर वो पता नहीं हाँ दुबई में जब वो गई हैं जिसके ब्लॉग में वो आती थी वो भी यहाँ पे जो है कार्टून लगाती थी उसकी तो वो तो मतलब उसके बस में नहीं होता था कि वो कपड़े उतार दे इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे ये वो लोग है जो नाना को सपोर्ट करते हैं या वो कह, समझती हैं कि उनके सपोर्टर हैं वो लोग इस तरह की उनके लिए लैंग्वेज यूज कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने उनको कोई प्रोजेक्ट ना नहीं देना बहुत जिद करके मतलब उनको समझाया जा रहा था लेकिन उ, समीरा जो है उन्होंने कहा है कि भाई मैंने मुझे उनका फेस अच्छा लगता है इसलिए हो सकता है मैं दे दूं लेकिन उसके लिए भी आ, कोई वो फिल्म वगैरह बना रहे हैं पता नहीं ये कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चेहरों की ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है उनको सेलेक्ट करना पड़ता है हम लोगों को बहुत सारे फेसेस देखने पड़ते हैं तो फिर मैं सोचूंगी देखूँगी लेकिन वो मुझे बाई फेस अच्छी लगती हैं वहाँ पे कही कहीं पर कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्वर के लिए जो है कोई पैगाम दिया है कि भाई मैं उन पर केस करना चाहती हूँ उन्होंने जो है सद्दाम को मारा है देखें जहाँ तक मुझे ख्याल है सद्दाम को जो है <coughs> सदाम को जो है जिस दिन सदाम ने ये ड्रामा किया था उस दिन ऑलरेडी सालगराह चल रही थी यह हमें सारा पता था कि प्री प्लान हेटर कर रहे हैं कि भाई बेबो ने जो वीडियो बनाई थी कि हाय हाय वो अगवा हो गया लेकिन वो ठीक ठाक था अपने घर में सिगरेट ले रहा था टॉफ़ियाँ ले रहा था केक ले रहा था उसकी भी वीडियो बरामद हुई और वो मोटरसाइकिल पर घूम घाम रहा है वो भी वीडियोज़ सामने आई और वो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने एक वीडियो बनाई ज़रूर थी कपड़े फाड़ के एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कच्ची एक्टिंग पकड़ी गई उसकी कि भाई वो सब झूठ है खैर यहाँ पे मरीम के बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मरीम खुद बातें रिवील कर रही हैं लेकिन नीरा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि उसने एक तो कुरान उठाया दूसरा वो बार बार कह रही है कि देखें वो हमारी पुरानी चैट है मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और वो ये भी कह रही थी कि भाई मैं तो इसका अब एक्शन लूंगी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अब ये मरीम जैसे पार्ट वन पार्ट टू लेके आई हैं उसके बाद आगे भी वो कोई बात करना चाह रही हैं पहले उनकी भी सुन लेते हैं क्योंकि मेरी पर्सनल उनसे कोई बात ऐसी नहीं होती ना मेरे सामने उन्होंने रिवील की है कि मैं खबर के तौर पर यहाँ पे बता दू आप लोगों को तो नाना ना, मुझे आपके साथ हमदर्दी है आपको इतनी गंदी गालियां दी गई और खासकर आपकी वालदा को जो कि आज तक सितारा यासीन के सपोर्टर ने कभी भी आपकी माँ के लिए ये अल्फाज यूज़ नहीं किए आप मेरे पे झूठ बोलती हैं मेरे पे तोहमत लगाती हैं कि मैंने आपके आपके लिए गंदे वाले वर्ड्स यूज़ किए हैं मैंने आज तक किसी भी हेटर के लिए भी नहीं ये वाले इस्तेमाल किए आप तो फिर डी भाई की बहन है तो मैंने आपके लिए हाँ मिमिक्री ज़रूर करती रही हूँ या मैं रिएक्शन ज़रूर देती रही हूँ लेकिन आपने मेरे पे तोहमत लगाया है यहाँ पे तो प्रूफ़ है और प्रूफ़ के साथ मैं बात कर रही हूँ कि आप वर्दा के इंस्टा पे जाके देख सकते हैं वहाँ पे उन्होंने लगाई है वो वीडियो और मैंने देखी मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई नाना आपकी सपोर्टर आपको इतना गंदी गालियाँ देती हैं ओ माई गॉड किट माई लास्ट ये क्या हो गया नौशी no और आपके भाई जिसके ऊपर आपने दो दिन बहुत मान किया <laughs> उन्होंने आपके साथ मजाक किया माय गॉड गेट माय लास्ट जज्बात के साथ खिलाद भैया अपनी नाना बहन के साथ है इतना दुख। अच्छा, <coughs> ये हुई और क्योंकि वो बहुत जो है वो कर रही थी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और बहुत ज्यादा ओवर हो रही थी तो मुझे खुद को भी बड़ा शौक लगा जब मुझे पता चला कि यह सब ड्रामा था जाहिर भाई का तो जब उधर से रिएक्शन रिएक्शन मैंने देखा वो बंदियां जो कि इसके साथ रात दिन चैट पे बात करती हैं वो वाली लोग कह रही थी हमने सितारा और नाना पे जो है टैग लगाए हैं हमने लगाने थे हमने लगा दिए तो बहुत अजीब समझे वो सुन के हुआ कि चलो ठीक है आप हमें जो है बुरा समझती हैं लेकिन जो आपके अपने हैं उन्होंने आपके बारे में इस तरह के अल्फाज बोले बोले लेकिन माँ के लिए जो बोले वो बहुत गंदे बोले अच्छा जी <coughs> उसके बाद जो है हम बात करेंगे आ, इसकी सितारा यासीन की सितारा यासीन ने आ, जो है अपने ब्लॉग में कहा कि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने ससुर को अपने पास क्यों नहीं रखती उसका ख्याल क्यों नहीं रखती तो उनका कहना था मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ एक साल से क्योंकि एक साल से इनकी इनकम आना शुरू हुई है तो वो जो है उनका कहने का मतलब ये था कि भाई मैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ लेकिन मैं दिखावा नहीं करती मैं बताऊँगी तो मेरा वो स्वाव चला जाएगा जो मैं छुप के करती हूँ वो दिखा दूँगी तो फिर वो वाली स्वब नहीं रहेगा वो चीज़ नहीं रहेगी तो इसलिए मैं अपने ससुर के लिए बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना ख्याल रखती हूँ और मैं जहाँ कहीं पर भी होती हूँ बावलपुर या समा या मैं भाई दूसरे इनके बहुत ज़्यादा रेलिटिव है ना तो मैं अगर मैके भी होती हूँ तो वहाँ पे भी वो आ जाते हैं मुझे मिलते हैं बेशक उनके जो बच्चे हैं मतलब उनका ख़ालिद की तरफ था कि भाई वो जो है अक्सर मुझे अगर रोकते हैं उनको उनको अगर रोकते हैं तो वो फिर भी मुझे मिलने आते हैं तो वो भी मुझसे शफकत का हाथ सर पर रखते हैं तो आ, बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि भाई वो चोरी छुपे अपने ससुराल के ससुर सा, के साथ बहुत ज़्यादा लेन देन रखती हैं उनको पैसे भेजती हैं उनका ख़्याल रखती हैं ये पॉजिटिव चीज़ है और उनका कहने का था कि मैं यहाँ पे शहर में रहती हूँ वो देहात में रहते हैं हाँ देहात की ज़िंदगी ये है अगर किसी लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ वो ये है कि सुबह सुबह उठना है नमाज़ पढ़नी है कुरान की तिलावत करनी है उसके बाद कब्रिस्तान जाना है कब्रिस्तान तो जाना है वहां पे अपने जो प्यारे होते हैं उनके लिए दुआ करनी होती है दुआ करके फिर वो चल फिर के अपना फिर जाते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं ये रूटीन होती है हमारे बड़े बुजुर्गों की और ज़मीनों पे दो तीन चक्कर लगा लिए घूम फिर लिया तो वो ये होता है कि फ्रेश रहते हैं ताज़ा हवा में रहते हैं शहरों में ये चीज़ मैसर नहीं है उनका कहने का जो था उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे जो कराची में रहती रही हूँ छोटे घरों में रहती रही हूँ अब जो है अगर मैंने लिया है तो ये मैं ऊपर रह रही हूँ अब हमारा इरादा है हम जो घर लेंगे जो ज़मीन का घर लें जिसमें सीढ़ियाँ ना हो ताकि किसी को तकलीफ ना हो तो उन्होंने कहा मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप अपने चाचू का ख्याल रखनी है हैं माँ का ख्याल रख रही हैं तो उनका भी ख्याल रखें तो उन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी और बड़ा अच्छा लगा अच्छा जी मैं लाइव के हवाले से बात फिर करूँगी हेटर्स की लाइव में जो है आ, सितारा के लिए आ, कुछ बोला जा रहा था तो वहाँ पे जो है समीरा ने कहा कि देखें जी हो सकता है उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो और जो है सलमा के बारे में भी बात कर रहे थे कि उनके हस्बैंड ने जो है वहाँ पे उम्र किया है दोनों भी भी दिल ठंडा किया दुआएं मांगी हैं, तो सितारा के लिए भी यही है कि उसने भी हो सकता है माफी मांग ली हो अपने रब से और तोबा कर ली हो तो अल्लाह ताला ने हो सकता है बख्श भी दिया हो लेकिन मेरी जान यहाँ पे जो है बंदे क्यों नहीं बख्शते हमें इन चीजों का नहीं है पूरा पता आलम नहीं है पता बस जो लोगों को दिखाया गया वही हमने वो देखा लेकिन यहाँ पे बात यह है सवाब गुनाह की बात करते हैं ना टैग लगाए जाते हैं तो अगर उन्होंने तोबा कर लिया आपका मानना है मैं आपकी बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने तोबा कर ली है तो फिर लोग क्यों नहीं बख्शते लोग तवाइफ़ तवायफ़ हर टाइम क्यों लगाते हैं जबकि हम तो उसके जस्ट ब्लॉग देखते हैं हमारा उससे कोई खून का रिश्ता थोड़ी है कि हम उसके घर आते जाते हैं उठना बैठना है हम लोगों का हम जस्ट व्लॉग की हद तक उन्हें पसंद करते हैं या फिर हम रिएक्शन में इसलिए भी आगे खैर मैं व्लॉगिंग डेली कर रही हूँ भाई मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी जिसने नहीं देखा वो भी देखे मैं भी डेली व्लॉगिंग करती हूँ नौशीन मुल्तानी व्लॉग मेरे इसी ही चैनल पे जो है उसका लिंक दिया हुआ है चैनल दिया हुआ है तो मैं भी डेली व्लॉगिंग करती हूँ साथ साथ रिएक्शन भी हल्का फुल्का दे दिया तो झातीयात से हट के तो यहाँ पे फिर लोग क्यों नहीं बख्श देते लोग क्यों नहीं जान छोड़ते जस्ट पॉजिटिव बातें भी तो हम कर सकते हैं जस्ट अच्छी अच्छी बातें भी तो कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्थ को लेके, एक दूसरे को हम हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे एक दूसरे के भाई उसको अब इतने साल का बच्चा है उसको क्या खिलाएं, एक दूसरे से हम नॉलेज सीख सकते हैं जैसे कि मेरी अम्मी जो है नहीं है या मेरी सास हैं वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो उनको अब नई उसका नई जनरेशन है हमारी नए बच्चे हैं नई खाने पीने की चीज़ें ईजाद हुई हुई हैं तो हम इस तरह की भी बातें कर सकते हैं जो कि मैं करती हूँ तो दूसरी साइड पर जो है हमेशा जानी का टैग लगाया जाता है गंदी वाली वर्ड्स यूज़ की जाती हैं और कहा जाता है कि ये इसको यूट्यूब पर नहीं होना चाहिए जबकि हमने यूट्यूब पर उनकी ऐसी कोई गलत हरकत नहीं देखी फिर भी उसके बावजूद उसको इतना बुरा सिता यासीन को क्यों बोला जाता है बस यही सवाल है कि भाई क्यों उसको इतना गंदे वाले से नवाजा जाता है? किसी करो जैसे आ, एक शाह साहब आए हुए हैं और आज फिर वो लाइफ में बैठ के कुछ उ, उनकी ना बातों से ब्लैकमेलिंग की बू आती है वो जैसे ब्लैकमेल कर रही रहे देखिए जी अभी तो मैं खोलूंगा अभी तो मैं रिवील करूंगा आप क्या दिखाना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं शर्म से डूब मरना चाहिए अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है आप लोग क्यों एक बंदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं लेकिन यह बंदा है मुसलसल कहता है मैं तो कुछ लेके आऊंगा नहीं नहीं मुझे पता नहीं कौन बंदे हैं जो मजबूर करते हैं इसे अच्छा जी जो उसके साथ बैठी थी लेडी उनको वो रिक्वेस्ट भी कर रहा था मेरी पिक्चर पर यूज मत करो मेरी प्लीज कोई चीज मत निकालना और देता भी खुद है तो ये ब्लैक मेलिंग है तो आपको चाहिए कि आप जो है ऐसी चीज़ों को रुकवाएं आप उन्हें कहें देखें समझा तो सकते हैं ना अपने तरीके से बजाय किसी पे हम तनकीद करें उस चीज़ को हमें जो है रोकना चाहिए कि रुक जाए स्टॉप हो जाए आप लोग भी अपने वीडियोस बनाएं अच्छी अच्छी बातें करें आप ये क्या कर रहे हैं अच्छा जी इसके बाद मैं बात करूंगी इसको तो देखा ही रहेगा ना ये क्या लेके आते क्या नहीं लेके आते अपने आप को ही गंदा करेंगे हमें क्या आया है लेना देना है किसी से पर्सनल तो इसके बाद हम बात करेंगे आ, मामू पे हाय मामू सदके जम कुर्बान जाओ मामू मामू सुबह हो गई मामू के रूटीन के मुताबिक वो पंद्रह दिन अपनी फैमिली को बेजत करते हैं और पंद्रह दिन बाद मुआफी मांग लेते हैं रात मांगी गई माफी साजिद एंड सितारा से ओह माय गॉड किट माय लास्ट नोशी एक ही हो गया <laughs> एक ही हो गया जी मामू ने बनाई वीडियो और कहा कि देखे जी मेरी माँ यहाँ पे है मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा सलमा बहन सितारा बहन साजिद भाई मेरे भांजे एंड मी मिल के वो वाली पुरानी मस्तियाँ करें हाँ हाँ ये बातें तो मैंने भी अपनी वीडियो में कही थी कि देखे इनके पुराने दिन बड़े अच्छे थे आपस में मस्तियाँ कर रहे होते थे काट रहे हैं खुशियाँ मना रहे हैं इन लोगों को पता नहीं नज़र लगी है या ये खुद ही नज़र लगवाते हैं क्या करते हैं <laughs> तो इन्होंने मुसलसल पंद्रह दिन वीडियोज़ बनाई हैं अपनी ही फैमिली के खिलाफ भांजों के बहन बहनोई के और फिर अब कहा कि नहीं सारे मेरे लिए बराबर हैं मुझे लगता है बड़ी भाजी फ़ोन नहीं उठा रही हैं आप नाराज़ लग रहे हैं लेकिन बताना भी नहीं चाह रहे <laughs> शायद मुझे मुझे मेरा ओपिनियन है मुझे लग रहा है फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने वीडियो में कहा था बहन मेरा फ़ोन उठा ले मैंने आपको फ़ोन किया था अगर मेरी वीडियो देख रही है तो मुझे रबता करें उन्होंने नहीं किया होगा अब इनका ओपिनियन तब्दील हुआ है और इन्होंने मांगी मुआफ़ी आई एम सॉरी सितारा बहन एंड साजिद भाई आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं और आप चार दिन पहले कह रहे थे <laughs> इनके बेहयाइयों वाले व्लॉग होते हैं ये कंटेंट क्रिएट करते हैं हालांकि हमने कोई कंटेंट उसमें से कोई कंटेंट हम तो ढूंढते हैं कुछ कंटेंट हमें उसके व्लॉग से मिले कोई चीज़ मिले हम अपना बोले लेकिन वह हाँ बोल रहे हैं भाई बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे तो वहाँ पे तो वो सीधे साधे से व्लॉग बनाती है बच्चे ये खा रहे हैं हम ऐसे बाहर घूमने गए हम जैसे आम इंडियन पाकिस्तानी या बाहर के मुल्कों के लोग भी सेम यही जो है ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग देखते हैं अपनी फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं लोग उनके कल्चर को देखते हैं चीज़ों को देखते हैं कि भाई अपने बुजुर्गों के साथ ये ऐसे उठते हैं बैठते हैं खाना खाते हैं हंसी मजाक करते हैं बच्चे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं अपने बड़ों से तो नाना नानी दादा दादी इस तरह से जो रिश्ते होते हैं ना इनसे छोटे बच्चे बहुत सीखते हैं क्योंकि ये बताते हैं बुज़ुर्ग हमारे जो होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों से बात करते हैं बच्चा सीखता है उनसे और वो समझदारी वाली बातें होती हैं तो आ, हम मैं खुद हैरान होती थी कि मामू जान को ऐसी कौन सी चीज़ बुरी लगती है जो बोलते हैं इस तरह तनकीद करते हैं तो आज उन्होंने रवील कर दी बातें और कहा कि उनके व्लाग सितारा यासिन के बहुत मज़ेदार होते हैं अच्छे होते हैं फैमिली वाले अब कल सुबह से मैं व्लागिंग शुरू कर रहा हूँ तो वो करेंगे व्लॉगिंग थैंक यू मामा जान और और कहा के बाहर के मुल्कों की लेडीज़ हैं पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं लाइव चला के बैठ जाती हैं मामू मैं पाकिस्तानी हूँ <laughs> तो बैठ जाती हैं इधर की बात करती हैं उधर की बात मामू अब कंटेंट चल पड़ा है भाई अब अब तो जिसको देखो हर बंदा लाइव बैठा होता है और बात कर रहा होता है कॉन्टेंट चल पड़ा है अब क्या कह सकते हैं किसको आप रोकेंगे तो हाँ ये बात अलग है कि हम एलिमेंट में रह के बात करनी चाहिए ना कि किसी की जातियात पे बात करनी चाहिए तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया आज आपने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं है पंद्रह दिन बाद आप फिर बदल जाएंगे <laughs> जब व्यूज कम होते हैं मामू के ना गुस्से में आके कमेंट बंद करके रिएक्शन देता है और दो दिन हो गए आप कमेंट खुले हैं लड़कियों तुम लोगों ने कहा था ना नोशिया आपकी मामू को कहो कमेंट खोले मामू ने कॉमेंट खोल दिए हैं जाओ शाबाश दो कि अच्छा डिसीजन है आपका <laughs> मिलजुल के रहना चाहिए देखें जी नेगेटिविटी में कुछ नहीं पड़ा और मैंने पहले भी कहा था ये एक फैमिली है ये बाद में एक हो जाएगी इनकी अगर गलत फहमियां चल रही हैं मसले मसाइल चल रहे हैं ये बाद में सारे एक हो जाएंगे क्योंकि इनके डबल डबल खून के रिश्ते हैं तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई यहाँ पे YouTube पे आके इस तरह से अपनी बड़ास थोड़ी सी निकाल रहा है या ज्यादा निकाल रहा है तो कल को ये एक नहीं होंगे न न न न न सोचियो भी ना मेरी भैनों ये सब एक हो जाएंगे और इसलिए जब ये सब एक हो जाएंगे तो हमें भी नहीं लड़ना चाहिए हमें भी जस्ट काम डाउन रिलैक्स रहना चाहिए उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए इन चीजों को अच्छा मैंने यहाँ पे रुबीना का ब्लॉग देखा उसकी भी बात कर लेते हैं भाई तो बड़ी सफाइयां हो रही थी बड़े बलून वगैरह लगाए गए सजाए गए लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अब वो पहुंचने वाले हैं हम मैं अपना सामान उठा के जा रही हूं मैं घर ढूंढ लिया हम लोगों ने बल्कि ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं हम घर और हम अपने अलग से घर में रहेंगे उन उनमीना उन का कहना था कि मैं आप बेटी अपनी के साथ रहूंगी किराए के घर में <coughs> तो वो बेटों के साथ नहीं रहेंगी ये उनका ओपिनियन है की कर सकते हैं भाई तो अब देखते हैं क्या होता है ये घर ढूंढ रही हैं और ये रहेंगी अपने अलग बेटी के साथ घर में तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाजत दें ये न्यूज थी और जो कि मैंने आपको दे दी हैं और खड़ाकेदार न्यूज थी और बाकी अभी जो है न्यू लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वह बाकी मेरी जान की टोटियो लाइक भी ठोक दो ठीक है ते <laughs> ओके अल्लाह हाफिज